तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ, क्या आपने टाइटल में तो देख लिए होंगे, बेसिकली अगर मैं कभी भी पेमेंट करता हूँ, अभी कुछ देर से मैं कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने अभी पेमेंट करूँगा और यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है और ये सेंड नहीं होता पेमेंट। आप देख सकते हैं काफ़ी देर से मैं रुका हुआ हूँ और ये सेंड नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होता है गाइस? मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, उन्होंने बताया था कि सर्वर में प्रॉब्लम है, तो इसको मैंने काफ़ी देर तक मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ था। तो मैंने उन्होंने बोला था कि आप 2 घंटे बाद ट्राई कीजिएगा, तो 2 घंटे बाद मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ और देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है, अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, मैंने डालते ही मेरा ये हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इसलिए आता है ये प्रॉब्लम, जैसे कि सर्वर प्रॉब्लम आता है, तो मैंने कस्टमर केयर से इसके बात किया है तो उन्होंने बताया था कि आप 2 घंटे बाद ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने 2 घंटे मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया और 2 घंटे बाद मैंने ट्राई किया, तो आपके सामने आप देख सकते हैं मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रॉब्लम इजीली सही हो जाएगा। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको पता चल गया कि आप इसमें क्यों होता है, तो ये टोटली सर्वर प्रॉब्लम होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।